दोस्तों आपका ट्रैवलर इन फोर एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आदि श्री शंकराचार्य के विषय में जानेंगे। दोस्तों सनातन धर्म के पुनरोद्धारक आदि गुरु श्री शंकराचार्य का अवतरण ऐसे समय में हुआ था जब धार्मिक दुराचारण का बोलबाला था। बौद्ध तथा हिंदू धर्म के मठ मंदिर विहार का केंद्र बन चुके थे, जहां पर काफी स्थिति डामाडोल मानी जा रही थी। दोस्तों नैतिकता तथा सदाचार धार्मिक केंद्रों से दूर होने लगे थे और मांसाहार, पशु बलि, मानव बलि, अंधविश्वास जैसी कुरीतियां और धर्म अधर्म काफी बढ़ने लगा था। दोस्तों सामान्य मनुष्य धर्म के सच्चे गुरु से अनभिज्ञ होकर ढोंगियों और पाखंडियों के भ्रम में पड़ा हुआ था। ऐसे समय में एक महात्मा सना एवं धर्म गुरु की आवश्यकता थी। उनमें से एक थे आदि गुरु शंकराचार्य। दोस्तों उनके हम चमत्कारिक जीवन के विषय में जानेंगे और उनके ऐसे कार्य जो काफी लोगों को उनसे प्रेरणा मिल सकती है उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों आज से 1250 वर्ष पूर्व केरल के कलाड़ी ग्राम में लगभग 788 ईसा में भगवान शंकर की कृपा से बालक शंकराचार्य का जन्म हुआ। उनकी माता आर्यम्बिका देवी और पिता शिव गुरु अत्यंत धर्मनिष्ठ थे। 3 वर्ष की अवस्था होते होते बालक शंकराचार्य के पिता का देहावसान हो गया था। दोस्तों असाधारण मेघा संपन्न इस बालक ने तब तमिल भाषा एवं संस्कृत, गणित, संगीत, उत्पत्ति के साथ साथ सभी पर अपने ज्ञान को इतना बढ़ा लिया कि जिससे लोग उनको चमत्कारिक मानने लगे थे। दोस्तों इतनी छोटी अवस्था में इतना ज्ञान दैवीय चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा था और लोग उनसे काफ़ी अचंभित रहते थे। दोस्तों उनकी विद्वता से प्रभावित होकर देश के कोने कोने से लोग आते थे तथा उनकी समस्याओं का उचित हल पाकर संतुष्ट होकर उनके वहाँ से लौट जाते थे। दोस्तों वो लगभग 8 वर्ष की अवस्था में उनके मन में वैराग्य लेने की अदम्य भावना जाग पड़ी। माँ यह सुनकर संत रह गई। बालक शंकर ने माँ को वह घटना सुनाई। तब किसी पर्व के अवसर पे वे नदी के जल में उतरे थे तो उन्हें एक मगर ने पकड़ लिया था। दोस्तों माँ ने यह प्रार्थना की थी कि भगवान उनके बेटे को बचा ले, तो वे बोले, माँ यदि तू मुझे आशीर्वाद के रूप में शिवजी को अर्पण कर देगी तो मेरे प्राण बच सकते हैं। दोस्तों सन्यासी होकर जाने से पहले उन्होंने माँ को यह वचन दिया कि वे कहीं भी रहें उनके अंतिम समय में वे उनके पास ही रहेंगे। दोस्तों सन्यासी होकर वे भ्रमण करते हुए एक वन में एक पेड़ के नीचे थकान मिटाने लेटे थे तो देखा कि एक सांप मेढक को अपने फन की छाया में रखकर गर्मी से बचा रहा है। दोस्तों उन्होंने दिव्य ज्ञान से यह जान लिया कि यह अवश्य ही किसी महात्मा की भूमि है। दोस्तों यह पवित्र स्थान ऋषि के पवित्र आश्रम भूरी के रनप में ज्ञात हुआ। उन्होंने इस पवित्र भूमि में कौरी मठ के संका में स्थापित करने को संकल्प लिया। दोस्तों उनकी भ्रमण यात्रा में नर्मदा नदी के किनारे उनकी भेंट आचार्य गोविंद
भगवपाद से हुई। और दोस्तों, गुरु ने उनके दिव्य ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें शंकराचार्य का नाम दे दिया। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना उनके गुरु से संबंधित है। गुरु गुफा में साधना में लीन थे, अचानक नदी के बहाव से गुफा तक पानी आ पहुंचा। तो दोस्तों, शंकराचार्य ने गुफा के द्वार पर एक घड़े को रख दिया, जितना भी जल आता घड़े में भरता जाता। गुरु को इस घटना का पता लगा तो उन्होंने उसे काशी जाकर विश्वनाथ करते हुए ब्रह्मसूत्र शास्त्र लिखने को कहा। दोस्तों, काशी पहुंचे तो उन्होंने गंगा तट पर एक चांडाल का उनसे सामना हुआ। उसके स्पर्श से शंकराचार्य कुपित हो उठे। चांडाल ने हंसते हुए शंकर से पूछा, आत्मा और परमात्मा तो एक है, जिस देह से तुम्हारा स्पर्श हुआ अपवित्र कौन है, तुम या तुम्हारे देह का अभिमान? परमात्मा तो सभी का आत्मा है, तुम्हारे सन्यासी होने का अर्थ है, फिर क्या अर्थ मान सकते हो तुम? तब तुम ऐसे विचार क्यों रखते हो? दोस्तों, कहा जाता है कि चांडाल के रूप में साक्षात भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन देकर ब्रह्म और आत्मा का सच्चा ज्ञान कराया था। इस ज्ञान को प्राप्त कर के वे दुर्ग रास्तों से होते हुए बद्री का आश्रम पहुंचे। यहाँ 4 वर्ष रहकर तहारत पर भाष्य लिखा, वहीं से केदारनाथ वो पहुंचे थे। दोस्तों, यहाँ मंडन मिश्र नाम के कर्मकांडी ब्राह्मण उनका शास्त्रार्थ हुआ। शंकराचार्य ने मंडन मिश्र की पत्नी भारती को भी बुलाया और उनसे बात की। दोस्तों, दक्षिण पहुंचकर उन्होंने कर्मकांड की प्रचार भी बहुत उन्होंने किया था। दोस्तों, कपालिकों के प्रभाव को समाप्त उन्होंने किया था। दोस्तों, माता की बीमारी का अंतर ज्ञात होते ही वह वचनानुसार वे माँ के अंतिम दर्शनों के लिए कालड़ी ग्राम बेवन वो पहुँचे थे। दोस्तों, एक सन्यासी होकर भी उन्होंने अपने हाथों से माता का दाह संस्कार किया, जो एक सन्यासी के लिए वर्जित था। दोस्तों, शंकराचार्य ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर के कटक तक भारतवर्ष की यात्रा करते हुए विद्वानों से शास्त्रार्थ किया। वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विशाल सेना बनाई और लोगों को वैदिक धर्म के सच्चे और पवित्र रूप से अवगत भी कराया। दोस्तों, भारत की 4 दिशाओं में मैसूर में श्रृंगेरी पीठ, जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ, द्वारिका से द्वारिका पीठ, बद्रीनाथ से ज्योति पीठ की स्थापना उन्होंने की। दोस्तों, 16 वर्ष की अवस्था में उनके धार्मिक ग्रंथ उन्होंने लिख दिए थे। दोस्तों, ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता भाष्य, सर्व वेदांत सिद्धांत, विवेक चूड़ामणि, प्रबोध सुधाकर तथा 12 उपनिषदों पर भाष्य उन्होंने लिखे थे। दोस्तों, 4 दिशाओं में मठों की स्थापना कर भारत को एकता के सूत्र में उन्होंने बांधा था। आज उनके नाम से 4 दिशाओं में शंकराचार्य मठ स्थापित हैं। दोस्तों, मात्र 33 वर्ष में जगद गुरु शंकराचार्य पंचतत्व में वो विलीन हो गए थे। आशा है दोस्तों, आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत